सर कोई सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है, तो वो अगर सेंटर में कोई एंगल सब्सटेंड करेगी तो वो डबल रहेगा कॉर्नर वाले एंगल से। जय हिंद सर। जय सर, माय टॉपिक इज सर्कल। ओके सार्थक, योर टॉपिक इज सर्कल। सार्थक इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड हिज टॉपिक इज सर्कल। ओके सार्थक, व्हाट इज अ सर्कल? सर सर्कल इज अ क्लोज्ड एंड कर्व्ड फिगर व्हिच हैव वन फिक्स्ड सेंटर। व्हिच हैव अ फिक्स्ड सेंटर। ओके तो बेटा आप सर्कल की कोई एक या दो थ्योरम बताएंगे हमें? दो थ्योरम बता दीजिए। सर द फर्स्ट थ्योरम इज इक्वल कॉर्ड सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके एंड द सेकंड इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके बेटा, ये जो सर्कल आपका होता है, यस सर, इसमें कॉर्ड होती है और उसी कॉर्ड को हम उस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड बोलते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या कहा जाता है? डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, जो डायमीटर होती है वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? सर टू पार्ट्स। उन दोनों पार्ट को क्या कहा जाता है? सर सेगमेंट। सेगमेंट कहा जाता है, लेकिन हम इन जनरली क्या हम उनको सेमी सर्कल नहीं बोल सकते? सर वी कैन से सेमी सर्कल। सो जो सर्कल की डायमीटर होती है वो सर्कल को दो पार्ट में बांटती है, तो उन दोनों को हम इक्वल सेगमेंट भी बोल सकते हैं, साथ में हम उनको क्या बोल सकते हैं? सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सर्कल में आप हमें कॉर्ड के बारे में बताइए, कॉर्ड क्या होता है? सर कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को आपस में जोड़ता है। अच्छा, आपने बेटा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? यस सर दे कैन। कब? सर जब उनकी रेडियस सेम हो। अच्छा, यदि कोई दो सर्कल है और उन दोनों सर्कल की डायमीटर सेम है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट? यस सर। बट अभी आपने बताया कि सर यदि उनकी रेडियस सेम, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, देन इफ डायमीटर विल बी इंक्रीज्ड द रेडियस आल्सो विल बी इंक्रीज्ड। ओके, यदि डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी क्या रहेगी? बराबर। और वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे दोनों सर्कल्स, आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, एक थ्योरम है बेटा, इसमें लिखा हुआ है एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब हो रहा है इसका? सर इसका मतलब होता है कि एक ये है कॉर्ड है, वो सर्कल किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाएगी तो वो इक्वल रहेंगे, वो सारे के सारे एंगल क्या बनेंगे? इक्वल। एक और है द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसका क्या मतलब होता है? सर कोई सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है, तो वो अगर सेंटर में कोई एंगल सबटेंड करेगी तो वो डबल रहेगा कॉर्नर वाले एंगल से। किन्हीं भी कॉर्नर वाले? यस सर। ओके, नाइस आंसर। ठीक है बेटा, व्हाट्स योर टॉपिक? थैंक यू। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ कर्व्ड फिगर इन नो कर्व फिगर नहीं है सर। ट्रायंगल इज अ फिगर इन व्हिच इट्स ऑल थ्री साइड, इट हैव थ्री साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। ओके, व्हाट अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर? Two types of triangle on the basis of sides and on the basis of angle. Okay, on the basis of side, what are they? Equilateral triangle, isosceles triangle, Escalene triangle. Okay, what is equilateral triangle? Equilateral triangle are those triangle in which its all three sides are equal and all angles are equal. All angles are equal. So what is the measure of each angle of equilateral triangle? The measure of each triangle is 60 degree. 60 degree? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. All angles are 60 degree? Yes, sir. Okay. So what is the sum of all the three angles of a triangle? 180 degree. Okay. Now, आपने बेटा ट्राइंगल्स यूनिट करी है, yes, तो बेटा यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी करके एक वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंस मीन्स टू ट्राइंगल। टू ट्राइंगल आर देयर, द बोथ ट्राइंगल्स आर दो ऑल टू एंगल्स आर इक्वल, ऑल इट्स द बोथ एंगल साइड इज इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल। थोड़ा सा आप गलत जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम उनको बोलते हैं जिनके करस्पोंडिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पोंडिंग पार्ट्स में हमारे तीनों एंगल्स आ गए, तीनों साइड्स आ गए, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया है वो टोटल कितने होते हैं बेटा? सिक्स क्राइटेरिया. चलिए पहला क्राइटेरिया के बारे में बताइए. साइड क्या होता है इसमें? इसमें सर इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. किसकी? दोनों ट्राइंगल्स की. इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू द ऑल द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो वहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगता है? साइड. अच्छा, एक और आपने क्राइटेरिया पढ़ा हो तो उसको हम बोलते हैं आर एच एस. ये कौन सा क्राइटेरिया होता है और कौन से ट्राइंगल पर हम इसको अप्लाई करते हैं? ये सर आर एच एस मीन्स राइट हाइपोटेनियस साइड. हाँ, वी अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या क्या रहता है बेटा? सर इसमें 90 डिग्री एंगल रहता है राइट एंगल. ओके. और इसकी जो बीच की इसकी में हाइपोटेनियस रहती है. ओके. और एक साइड होती है. ये पहले ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ में क्या होती है? इक्वल होती है. तो वहाँ पर जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं उसको हम कौन सा क्राइटेरिया बोलते हैं? आर एच एस. वाह, इट्स सो नाइस.